हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। का नाम है हेमा ब्लॉग उज्जैन। सो गाइज, हैप्पी तीज। अभी आज तीज का दिन है तो सभी लोगों को व्रत भी होगा। मेरा भी व्रत है। मैं सुबह सुबह नहा के पूजा वूजा करके अभी बैठी हूँ, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तीज का ब्लॉग तो बनता है, तो मैंने कहा चलो पूजा का तो शूट करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेलकम आप लोगों का कर देते हैं, आज सुबह से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस अभी नहा धो के पूजा वूजा करके बैठी हूँ, और अभी बच्चों को स्कूल भेजना है तो टिफिन उफिन बनाऊँगी। इसके बाद में आज मुहूर्त भी बहुत जल्दी है, 6 से 8 तक ही मुहूर्त है पूजा का, तो देखते हैं कि हम लोग कब तक में कर पाते हैं। क्योंकि मंदिर में हम लोग फुलहरा में पूजा करने जाते हैं, फुलहरा रखते हैं मंदिर में, मैं नहीं रखती, मतलब सब लोग मिल के रखते हैं, तो वही हम लोग पूजा करते हैं। तो देखते हैं कि कब तक में हो पाता है। और 12 बजे तक तीज भी है, तो 12 बजे से पहले तो करना ही है। वैसे 6 से 8 तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ फुलहरा ही नहीं हो पाएगा तब। मेहंदी देखो, मेहंदी कैसी लग रही है। अच्छी लगी मेहंदी। तो चलो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। सो गाइस, ये जा रहा है लला स्कूल। हेलो करो। हेलो, जा रहे स्कूल में, छोड़ने जा रहे हैं, बस में बैठाने, मतलब एक का टाइम आ गया जाने का स्कूल। अभी एक तो सो रहा है। जब रात छुट्टी हो, छुट्टी उठती नहीं। तो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए, और ये है मेरी साड़ी, और ये हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ? और ये है दीदी, ये तैयार हो गई है। मुझे ले माँ, ये हूँ मैं। कैसी लग रही? कैसी लग रही बताना, बताना। सभी लोग रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग जाएंगे पूजा करने, और नीलू हो रही है रेडी। तो चलो चलते हैं अभी पूजा करने, फिर मिलेंगे वहीं पे मंदिर में। मंदिर में हम लोग फुलहरा पूजते हैं। जैसा मार ये हम लोग जा ये पूरा नहीं ले, नीलू यहाँ से लेते तो पूरा आवत। बस मीटिंग है, मीटिंग उसकी एक। हाँ हाँ, क्या हुआ? कहा है हेमू? जीजी बोली कुछ है? क्या कौन? तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं फिर से दोबारा पूजा करने मंदिर में। अभी रास्ते में है, रात में। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग कर रहे हैं पूजा। अभी पूजा हो ही रही है, पूजा होगी पहले, और यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ जो भी सामान हम लोगों ने लाया था सब चढ़ा रहे हैं। सुबह भी चढ़ाए थे सामान, शाम को भी चढ़ा दिए थे, और जितनी भी करो, जितना भी सामान चढ़ाओ श्रृंगार का उतना ही अच्छा है। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आरती, और आरती के बाद फिर प्रणाम करेंगे। प्रणाम के बाद फिर जब सब लोग महिलाएँ इकट्ठा हो जाएंगी तब होगी कथा,
कथा सुनाएंगी एक एक महिला और सभी लोग बैठ के सुनेंगे हम लोग। बस बस पूजा संपन्न। तो यहाँ पे पूजा होती है संपन्न। पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो पार्वती जी होती हैं उनका सिंदूर लेकर अपने माथे में लगाते हैं, और जो भी चढ़ी हुई होती है चूड़ी, जो श्रृंगार का सामान चढ़ा होता है उसमें चूड़ी जो होती है हम लोग दो दो ले लेते हैं पहनने के लिए, एक एक पहन लेते हैं दोनों हाथों में। सो अच्छा होता है, पहनना चाहिए और सिंदूर भी लगाना चाहिए, उसके सुहाग के लिए अच्छा होता है। तो बस यही हम लोग अभी कर रहे थे। तो यहाँ पे सारी महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं कथा सुनने के लिए। सारी महिलाएं एक साथ बैठ के, और कोई एक जन सुनाएंगे तो बोल रहे थे कि सब लोग एक साथ बैठ जाओ तो हम कथा सुना दें। तो हम लोगों की पूजा हुई संपन्न। और आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल में। तो चलो मिलते हैं एक अच्छे नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग एंड वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।